नरक इल्जाम दरिया पर
काबिल एहतराम नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथी, एक आधा घंटे का वक्त है और दो अहम मौजूआत पर बात करने की सोची है। बुलवाता है अल्लाह, एक्चुअल में 5 हफ्ते हो गए हैं मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं और फलस्तीन, गजा, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस पर बात कर रहा हूं, और जहां जाऊं इस पर अभी फिलहाल बोलना भी बहुत जरूरी है। वक्त की हुकूमत और बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी पूछ रहे हैं कि भाई आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान फलस्तीन को लेकर बड़ा दर्द महसूस कर रहा है। बात यहां से मैं शुरू कर रहा हूं ताकि आपके दिल और दिमाग को ये बात बैठ जाए, और जब आप किसी से गुफ्तगु करें, बात करें, तो बाकायदा उसको ये बात बताएं। मैं सुबह सुबह जब टहलने जाता हूं यहां पर कुछ हिंदू गार्डन है, तो दो तीन हिंदू भाइयों ने मुझसे कहा कि साहब मैंने कल आपका वीडियो देखा और कल आपको हिंदुस्तान का एक बड़ा चैनल आपके खिलाफ बता रहा था। मैं खुश हो गया कि चलो अच्छा है, बदनाम अगर हो गए तो क्या। अरे बोलो बोलो ना, शर्मा देखते हो, नाम ना होगा, नाम तो हो रहा है, दुनिया देख रही है कि कोई अल्लाह का बंदा बोल रहा है। और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कलिमतुल हक इंद सुल्तानिन जाइर फहुव जिहादुन अकबर। कि जालिम हुक्मरानी में, जालिम बादशाहत में हक बात कहना भी सबसे बड़ा जिहाद है। और प्रॉब्लम हमारा ये है, हम सबका प्रॉब्लम ये है कि हमें, हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है कि खराश भी ना आए और फतह भी नसीब हो जाए, नसीब तमन्ना सबकी क्या है, खराश भी ना आए और फतह भी नसीब हो जाए। यानी मेरा बाप सेब का बीज न बोए और मुझे खेती में सेब भी, अरे बोलो, चलो आओ। मस्जिद अक्सा कितनी मुकद्दस जगह है, कैसी प्यारी मस्जिद है, और फलस्तीन कितनी बरकत वाली जमीन है। पहले मैं यहां से बात शुरू करूंगा। देखो कुरान मुकद्दस की 15वीं पारे की पहली आयत, जहां से कुरान का 15वां पारा शुरू होता है, वो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की ताकि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल जाए। और हमारे इमाम बता रहे हैं कुछ इलाकों में लफ्ज फलस्तीन बोलना बैन, फलस्तीन लफ्ज भी मत बोलो। आज से 3 हफ्ता पहले मैं वियारा मरकज पर मेरा बयान था गुजरात में, तो मैं जैसे गया तो पुलिस का लेटर, उन्होंने बताया बोले यहाँ इमामों को लेटर आ गया कि फलस्तीन का लफ्ज भी नहीं बोले। फिर सूरत में रात में बयान था, दोपहर वहां बयान था, तो फिर मैं, तो मैं फिर मैंने पूरा हर 2 मिनट को अपने जैसे तबलीगी आवाज के लोग कैसे करते, हर 1 मिनट भाई और बुजुर्ग दोस्तों, तो मैं भी हर 2 मिनट को अपने नहीं चलने। अब रात में तो स्टेट प्रोग्राम का सूरत में खोल रहा बोला, क्यों, मुझे मालूम है मैं बावला मौलाना नहीं हूं, मुझे मालूम है कि क्या बोलने की संवैधानिक इजाजत, अरे बोलो है, और इस लफ्ज पर कोई केस वेस बनता, अरे बोलो नहीं, ये तो चलो हुल ले लेते, क्या लेते नहीं समझा, क्या लेते। मैंने कहा कि अंदर की बात यह है कि वहां पर पॉइंट मैंने बदल लिया, बड़ा प्रोग्राम था, मैंने कहा कि अगर 40,000 टन हिंदुस्तान से मदद जा रही है प्लेन के जरिए से फलस्तीन के मजलूमों के लिए, तो इसका मतलब अंदर की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारे साथ है। तो बाहुलो बोलो ना, और मुंह, अरे बोलो,
तो चलो आओ, फलस्तीन कैसी मुकद्दस जमीन है, 15 जो पारे की पहलिया है। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिन अल-मस्जिदिल हराम। अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है, ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह कहता है, सुभान पाक है वो जात अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिन अल-मस्जिदिल हराम, कि पाक है वो जात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को, लैलम रातों रात, मिन अल-मस्जिदिल हराम इला अल-मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो रब, पाक है वो जात जो रातों रात ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। कौन सी मस्जिद अक्सा? आगे अल्लाह खुद इंट्रोडक्शन करवा रहा है मस्जिद अक्सा के बारे में, फलस्तीन के बारे में। अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लज़ी बारकना हमहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि वो ऐसी सरजमीन है कि अल्लाह कह रहा है कि उसके इर्द गिर्द उसके चारों तरफ हमने रहमतों और बरकतों को रख दिया है। अल्लाह कह रहा है जमीन के बारे में। और इस आयत में वाकया कहां का इशारा है कि मेराज के वक्त में जब अल्लाह के हबीब को बुलाया गया मुलाकात के लिए, तो अल्लाह कह रहा है कि सबसे पहले मैंने मस्जिद हराम से मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा को उठाया और पहला तब्बा मस्जिद अक्सा। मास्टर का लोग लगे अल्लाह कह रहा है कि मैंने मेरे महबूब को मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया, और फिर मस्जिद अक्सा में क्यों? अब ये लफ्ज आगे का बताएगा कि कितनी पाक सरजमीन है कि अल्लाह जब कह रहा है कि मैंने उसके इर्द गिर्द रहमतों और बरकतों को रख दिया है, तो सुनो मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन, और वो मस्जिद इतनी प्यारी मस्जिद है कि जब मेरे महबूब नबी को ले जाया गया तो हमारे नबी से पहले 1,24,000 जो कमो बेश गिनती परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम बयानों में सुनते हैं कि 1,24,000 अंबिया सब के सब ऐसे ही लाइन लगा कर बैठे थे और इमाम साहब का इंतजार हो रहा था, समझे? और इमाम साहब कौन? अरे बोलो ना, मोहम्मद। तो अब जरा ये सोचो कि वो मस्जिद अक्सा ऐसी प्यारी मस्जिद है, ऐसी प्यारी मस्जिद है कि आदम अलैहिस्सलाम, बाबा आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए सबके कदम एक साथ वहां पर पड़े और सबने वहां पर नमाज अदा की, और नमाज भी ऐसी कि जिसका इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो बताओ कितनी पाक सरजमीन होगी वो, कितनी बरकत वाली जमीन होगी वो। और जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जहां पर एक नमाज पढ़ने का इतने हजार नमाजों के बराबर सवाब है ना, और जिसके बारे में नबी खुद कह रहे हैं कि अगर किसी जगह का स्पेशल इबादत की नियत से जाना सफर करना जायज नहीं, ये मसला बीच में आ गया तो सुन लो, जायज नहीं किसी जगह का जायज नहीं है, लेकिन मस्जिद अक्सा कितनी प्यारी सरजमीन के नबी ने कहा कि मस्जिद अक्सा का सफर स्पेशल आप कर सकते हैं, उसमें भी सवाब। अरे बोलो, जैसे स्पेशल सफर होता है कि खाजा साहब का पूरी टेंपो ट्रैवल कर दिया होता ना, होता ना भाई, पूरी फैमिली जा रही दिवाली की छुट्टियां, लेकिन स्पेशल सफर जायज, मसला बीच में आ गया तो बोल दिया स्पेशल सफर कहीं कभी ऐसा जायज नहीं। हाँ चले गए तो जरूर जाओ। अभी मैं कल नंदोबार में मिला, पहले हिंदुओं ने स्वागत किया, समझा, आदिवासियों ने, हिंदुओं ने, पत्रकारों ने, और फिर नंदोबार में प्रोग्राम था, तो फिर मैंने वहां कह दिया कि अगर इमाम बादशाह की सरजमीन पर आऊं और वहां हाजिरी न दूं तो ये तो अच्छी बात नहीं, समझो मैं क्या समझाना चाहूं। चले गए तो हाजिरी दे दो, लेकिन ओरिजिनल जगह पर ऐसे ईटा बीटा नहीं समझे, ईटा रखेला है अनुभाव का छलावा नहीं समझा, अनुभाव गुजरते गुजरते यहां बैठे थे। अरे बोलो ना यार, क्या समझा रहा हूं, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए, है ना। स्पेशल टाइम नहीं, लेकिन मस्जिद
मस्जिद अक्सा ऐसी मस्जिद है कि जहां का स्पेशल सफर जायज भी है और इबादत का जरिया भी है। तो मस्जिद अक्सा यह बरकत वाली जमीन है कि तमाम नबियों ने वहां एक साथ कदम रखा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ने का 25,000 और कुछ रिवायतों को बता भाई 50,000 के बराबर सवाल है ना। अभी अपने जुम्मा यहां पर ये जुम्मा का वहां रह दो, अरे बोलो ना, लेकिन अपन बावले थोड़ी वहां थोड़ी जाएंगे, अभी लफड़े जाओगे वहां है ना। अभी 3 बजे मेरी खबर आएगी, देख लेना, 3 बजे मेरी खबर आएगी, देख लेना। अभी कैमरों के सामने से आ रहा हूं, उसमें मैंने कहा कि कल के रोज दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी इजराइल ने मस्जिद पर बम बरसाया और 50 नमाजी ऐसे के ऐसे मस्जिद में शहीद हो गए, यह खबर है। लेकिन उस खबर में मैंने एक जुमला बढ़ाकर कहा कि फलस्तीन के मुसलमानों को सलाम कि हमारे यहां तो कर्फ्यू लग गया। अगला जुमला समझ ले, आएंगे नहीं मस्जिद में क्यों? अरे बोलो ना भाई, कर्फ्यू लगे रहे, डंडे पड़ेंगे तो, और वहां बमबारी हो रही है। क्या हो रही है? बमबारी हो रही है। लेकिन मस्जिदों का हाल यह है कि नमाज के वक्त में सब नमाजी अपने अपने घरों से बाकायदा मस्जिद में, अरे बोलो, जा रहे हैं। यह है जज्बा, इसलिए अल्लाह ने उनको इतना मजबूत बनाया कि दुनिया की सुपर पावर ताकतें दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ये कह रहे थे कि गज़ा को फलस्तीन को तो 1 घंटे में खत्म कर देंगे। 42वां दिन निकल चुका है, समझ आया? और गज़ा कितना बड़ा है, अरे बोलो, चल रहा 42 दिन में दुनिया के सुपर पावर से, अरे बोलो ना, क्यों? क्योंकि अंदर उनके अंदर ये जज्बा है कि ये हमारी मस्जिद मस्जिद अक्सा है, ये अंबिया की सरजमीन है, ये नबियों की सरजमीन है, यहां हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत किया है, और ये वो सरजमीन है, ये वो सरजमीन है कि अल्लाह ने स्पेशल इसको बरकतों वाली जमीन कहा, मुकद्दस जमीन कहा, इसका जिक्र अल्लाह ने किया, और यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन के लिए बरसों से अहले ईमान अहले कुफर से मुकाबला करते आ रहे हैं। क्यों? शुरू शुरू में आपने देखा होगा कि हालात अलग चल रहे थे, लेकिन दुनिया ने देखा कि 40-42 दिन हो गए हैं, मासूम बच्चे मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए शहीद हुए, और उनका कहना है हम भागने वाले नहीं हैं, हमारा दो ही मिशन है, या तो हम शहीद हो जाएंगे या तो फतह हमारा मुकद्दर होगी। ये जज्बा है, हम शहीद हो जाएंगे या तो फतह हमारा मुकद्दर। और क्या जज्बा है उन लोगों का, जज्बे को सलाम के मां के 3 जवान बच्चे शहीद हो गए, तो मां रोने के बजाय हमारे यहां तो अगर गोदी का बच्चा भी चला गया, गोदी में बैठा हुआ बच्चा भी चला गया, तो मां अल्लाह मियां को भी कोस डालती, और वो माए अपने 3 जवान बच्चों को शहीद होते देख रही है और जोर से खुशी में नारा लगा रही है अल्लाह अकबर। जब मीडिया उसे पूछ रही कि तुम खुश हो, तो कह रही हां मैं खुश हूं, कह रहा अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी होगी तो मुझे फख्र है कि मैं 3 शहीदों की मां बनकर हाजिर होंगी। एक शख्स का मासूम बच्चा शहीद होता है, हाथ और पैर दोनों जगह से निकल जाते हैं, बमबारी ऐसी होती है, और वो बच्चे को उठाकर अल्लाह के हुजूर ऐसा पेश करके कहता है ए रब क्या तू राजी हो गया? तब जाकर दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी आज तक मस्जिद अक्सा पर कब्जा नहीं कर पाए। याद रखें वो जज्बा है उनके अंदर, और हमको मस्जिद अक्सा से मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? उसकी एक वजह यह भी है कि वह हमारा किबला है, अव्वल है,
तकरीबन 17 महीने तक जैसे अभी हम नियत बांधेंगे तो हम क्या नियत करेंगे, खास वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। लेकिन ये आज हम नियत कर रहे हैं, लेकिन जब नमाज फर्ज हुई थी तो 17 महीने तक के सब पर मुंह किधर था, तो हमारा तिल अव्वल है। और फलस्तीन के मुसलमानों का दर्द हमें इसलिए हो रहा है, मैंने हिंदू भाइयों का जवाब दिया, काफी उनको पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा देखो अगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अगर वहां पर भी 4-5% हिंदू भाई रहते हैं और बड़े सुकून के साथ रहते हैं, तो मैंने कहा अगर किसी आतंकवादी ने अगर पड़ोसी मुल्क में 10-15-20-25 अगर हिंदू भाइयों की बस पर हमला कर दिया, उनकी यात्रा पर हमला कर दिया, तो सच बताओ आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? तो बोले हाँ दर्द तो होगा क्योंकि हमारे मारे हैं। तो मैंने कहा हमारे 13,000 मारे जा चुके हैं और अगर हमको दर्द नहीं हुआ तो थू है हमारी जिंदगी पर। 13,000, 5,000 मासूम शहीद हुए हैं, दूध पीते बच्चे शहीद हुए हैं 5,000, 4,000 बेकसूर औरतें मारी गई है और आम शहरी इलाका 13,000 अखबारी रिपोर्ट के एतबार से 13,000 आम शहरी मारे गए हैं। और इतने ईमान वाले मारे जाने के बावजूद अगर जलगांव के मुसलमानों को उसका दर्द नहीं होता है तो फिर ईमान में कहीं तो भी खोट है, क्योंकि प्यारे नबी ने फरमाया है कि ईमान का तकाजा यह है, ईमान का मुतालबा यह है और ईमान का डिमांड यह है कि ईमान उसे कहते हैं कि दुनिया के किसी एक कोने में अगर किसी ईमान वाले को तकलीफ हो रही हो तो दुनिया के दूसरे कोने के ईमान वाले को उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। और नहीं हो रही है तो तू नमाजी हो सकता है, हाजी हो सकता है, 10-15 तेरे उम्र हो गए होंगे तो कुछ भी हो सकता है, मगर मुकम्मल तेरा ईमान नहीं हो सकता। दर्द महसूस करो, उनके दर्द को समझो। यहां बैठकर अगर कुछ नहीं कर सकते, तो प्यारे नबी ने फरमाया दुआ सिलाह अल मुमिन, दुआ मोमिन का बड़ा हथियार है, दुआ मोमिन का बड़ा हथियार है। तो दुआ तो करो, सच्ची बताना, देखो बुरी लगने की बात नहीं, थोड़ी सी कड़वी बात है, सच्ची बताना, दोनों हाथ उठाकर ये बताओ कि किसने स्पेशल तहज्जुद में उठकर फलस्तीन के लिए दुआ किया? देखिए 1% भी लोग नहीं, 1%, 0.5% भी लोग नहीं। कहां ईमान, शर्म आनी चाहिए। पेप्सी पीते वक्त शर्म आनी चाहिए, पेप्सी का खून अगर हक में उतार रहे हो, मिरिंडा और माजा का खून अगर हक में उतार रहे हो तो यह सोचो कि तुम फलस्तीन के मासूम बच्चों का खून पी रहे हो। अरे दुआ करो यहां बैठकर। और दूसरा मुकाबला ये कहो कुछ नहीं कर सकते ना, जायज तरीका है, जमहूरी तरीका है, संवैधानिक तरीका है, हमारा संविधान भी इसकी इजाजत देता है कि आप उसका बायकॉट करो। बायकॉट कौन सी चीज होगा? जितनी चीजें अमेरिका की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले दिन से कह रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका है, अल्हम्दुलिल्लाह सीना ठोक कर अभी भी कह रहा हूं, बड़ी मुसीबत आई मुझ पर यह कहने पर। लेकिन आज से 2 दिन पहले खबर आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सही हो गई कि आलमी इंटरनेशनल कोर्ट में जो बाइडन पर मुकदमा हो गया, कायदा कि ये जो बाइडन गजा और फलस्तीन के मासूम बच्चों की नस्ल कुशी कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। अब आप बोलेंगे मौलाना मुफ्ती साहब अमरीका का नाम कायदे बीच में आ गया, इसराइल ना हो तो इसराइलियों से चल रही ना, इसराइल तो नाजायज औलाद है अमरीका की, बसाई हुई औलाद है। और हम तो दुनिया के लोगों को दिखा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं, दुनिया जानती है, हिंदू भाई भी जानते हैं, सारे हिंदू देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, दुनिया जानती है कि जब इन यहूदियों को, इन सहियोनियों को और इन इजरायलियों को पूरी दुनिया मार रही थी और हिटलर इनके 10 लाख लोगों को कत्ल कर रहा था, तो उस वक्त ये भागते फिर रहे थे, पूरी दुनिया से भीख मांग रहे थे कि हमको सर झुकाने को जगह दे दो, छुपाने को जगह दे दो, कोई रहम नहीं कर रहा था।
دیتا ہے کہ کسی مظلوم پر رحم کرو، تو ان مظلوم فلسطینیوں نے ان کتوں پر رحم کیا اور ان کو تھوڑی سی جگہ دی دی، لیکن آج وہ پورے فلسطین پر قابل ہو گئے. لیکن جب ہٹلر نے یہ بات جب ہم کہتے ہیں نا تو بڑے چڑتے ہیں وہ یہودی. جب ہٹلر نے ان کو مارا تھا صرف 10% ان کو چھوڑا تھا، اور چھوڑتے وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو قتل کر رہا ہوں، دنیا مجھے ہٹلر کہہ رہی ہے، ظالم کہہ رہی ہے، آتنکوادی کہہ رہی ہے، اور کیا جانے مجھے کتنا بدنام کر رہی ہے. لیکن ہٹلر کے جملے تھے کہ کچھ سالوں کے بعد دنیا کہے گی کہ ہٹلر نے بہت سے کام کیا تھا، لیکن برا کام یہ کیا تھا کہ ان چند 10% کتوں کو کیوں چھوڑا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ 10% وہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ کتنے آتنکوادی ہیں، کتنے کتے ہیں، یہ آگے چل کر دنیا کو پتا چلے گا تو دنیا کہے گی کہ ہٹلر نے صحیح کیا. اور آج دنیا سچ مچ وہ بات کہہ رہی. میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں. چلو آؤ، وقت کم ہے تو اتنا ہی سمجھا دوں کہ فلسطین کے لیے کم از کم یہاں بیٹھ کر جمہوری طریقہ ہے کر سکتے ہیں. میں نے تو کھلے عام یہ کہا کہ اگر آج ہمارا ملک ہم کو اجازت دے دے کہ جاؤ بھائی تم کو فلسطین کا درد ستا رہا ہے، جاؤ جس جس کو جانا ہے ہم ویزا دیتے ہیں اور وہ حکومت بھی ویزا دے دے، تو انشاءاللہ ہم جائیں. بولو انشاءاللہ. لیکن بھاؤ لے چلے، یہ جمہوری طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ جمہوری طریقہ ہے. ایک سن میں ہم لوگ اتنا بھی نہیں بولتے. کیا کرتے؟ اتنا بھی نہیں بولتے. ایک تو ڈر بیٹھ گیا ہے، نہ جانے آپ آپ دیکھو نا 56 اسلامی ملک ہے، 56 اسلامی ملک ہے. کیوں اتنے ملک ہے کہ اگر 5 ملکوں نے بھی اگر قدم اٹھا لیا تو دنیا کی کوئی ملک کوئی سپر پاور کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ ایمان والوں کے بچوں کو اس طریقے سے وہ شہید کرے. لیکن سب بزدل بے غیرت اور بے شرم بن کر بیٹھے ہیں اور میں روزانہ ان کے خلاف بول رہا ہوں تو دھمکیاں دے رہے ہیں. آن نہیں دل بھی بولا ہو گیا میرا حج نہیں دل حج بھی ہو گیا تین تین بار. ارے بولو بولو ان بے شرموں کو غیرت دلاؤ. بخشے بھی جانے میں نے کل یہ جملہ کہا کہ اگر تم مکہ اور مدینہ کے بھی رہنے والے ہو اور سعودی عرب کے بھی حکمران ہو لیکن فلسطین کے مظلوموں کے لیے تم منہ نہیں کھول رہے ہو اور تم قدم نہیں اٹھا رہے ہو، تمہاری پکڑ ہوگی، پکڑ ہوگی. اور اگر کوئی ہندوستان میں رہ کر ایک چھوٹی سی مدینہ مسجد کا امام اگر فلسطین کے حق میں بولتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی عزت ہوگی. وجہ وجہ کیا؟ درد اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا نبی نے کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایمان والا ایمان والے کے لیے عمارت کی طرح ہے مضبوط. جیسے ایک اینٹ کا رشتہ دوسری اینٹ سے ہوتا ہے، نبی نے مثال دی. اور ایک تو بڑی پیاری مثال پیارے نبی نے دی. کیا مثال دی؟ کیا کہا پیارے نبی نے؟ کہا مثل المؤمنین فی تواتهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد. پیارے نبی نے فرمایا ایمان والوں کی مثال ایسی ہے جیسے بدن اور بدن کے پارٹس، بدن کے اعضاء. جیسے پوری باڈی ہے، باڈی کا ایک پارٹ ہاتھ ہے، باڈی کا ایک پارٹ ایک حصہ پاؤں ہیں، باڈی کا ایک پارٹ آنکھیں ہیں، باڈی کا ایک پارٹ کان ہے. تو نبی نے کہا کہ ایمان والوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے جسد بدن اور بدن کے اعضاء. کیوں ہے؟ ابھی اگر ہاتھ میں زخم آئے، ہاتھ میں مار لگ گیا، زخم آ گیا، پھوڑا بن گیا، خطرناک ہاتھ، تو آنکھیں بھی جاگتی ہیں. سٹ سٹ کر رہا ہوں، آنکھیں جاگتی کہ آنکھیں ایسے بولتی ہے او بھائی وہ تیرا مسئلہ ہے. نہیں جانتے آنکھیں ایسے بولتی کیا کہ وہ پرابلم تیرا ہے، میں بھائی کے واسطے جاؤ دوں. دماغ بولے گا وہ پرابلم تیرا ہے، میں کیوں جاؤ دوں. لیکن پیارے نبی نے کتنی پیاری مثال دیا کہ ایمان والوں کی مثال بدن اور اس کے پارٹس کی طرح ہے کہ ایک پارٹ میں اگر تکلیف ہو جائے، پھوڑا آ جائے، پھوسی آ جائے تو پورا بدن اس میں لگا رہتا ہے. کیوں؟ دماغ بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے، دل بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے. کیوں؟
होता था वो महसूस। आज हम इतने बेहिस, इतने बेगैरत, इतने बेशर्म हो गए कि अभी भी हमारे नाच गाने खत्म नहीं हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने मस्जिद अक्सा को अपने जमाने में फतह किया था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी ने पूछा, सुल्तान तुम हंसते नहीं हो, सुल्तान हमने तुमको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी ने पूछा, सुल्तान तुम हंसते नहीं हो, हमने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि ये सुल्तान उस वक्त तक हंसेगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं, जब तक कि मस्जिद अक्सा को फतह न कर ले। आज बेगैरतों की तरह नाच गाना भी हो रहा है, धूम से शादियों में डीजे भी बज रहे हैं। जरा गैरत नहीं है कि तुम्हारे ईमान वालों के 5,000 मासूम बच्चों को गोलियों और बमों से उड़ाया गया, तुम्हारी मस्जिदों पर हमला किया गया, हॉस्पिटल पर हमला किया गया, जरा एहसास नहीं? क्यों व्हाट्सएप पर रोजाना वीडियो आ रही है, दुनिया तो नहीं दिखा रही है मगर व्हाट्सएप पर रोज आ रही है, थोड़ा तो दर्द महसूस करो। तो अब दो काम करो उनके लिए कि दुआ करो, चलते फिरते दुआओं में बड़ी तासीर है, और दूसरा काम ये कि इतना तो कर सकते हो कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रशिया, बर्तानिया, इनके एक भी प्रोडक्ट को खरीदो। मैंने मिसाल दिया, अब कुछ लोग बोलते मुफ्ती साहब क्या होगा इससे, बहुत कुछ होगा। अभी तुमने अगर गाड़ी भर के सामान मार्केट में लगाए है ना, अब तुम्हारा बायकॉट हो गया तो कैसा लगता बोलो ना। अगर तुम्हारा सामान लगा हुआ है गाड़ी पर और बायकॉट हो गया कि तुम्हारे पास से खरीदना, अरे बोलो बंद। 1 करोड़ खर्चा करके अगर दुकान ना रहा और दुकान पर कोई नहीं आ रहा तो कैसा लगेगा, अरे बोलो ना भाई। फिर तू ऑफर भी दे देगा, 1 पर 1 फ्री। फिर तेरे दिमाग में क्या रहना कि कैसा भी ये माल खत्म हो जाए, वो ऑफर शुरू हो गए, तुम्हारे बायकॉट का इतना असर, अरे बोलो हो गया है, बायकॉट करो अपना ईमानी जज्बा, अरे बोलो अपना ईमानी जज्बा दिखाओ। अरे हमसे अच्छा तो वो रोनाल्डो है प्लेयर, हमसे अच्छा, हमसे अच्छी तो वो नाचने गाने वाली एक औरत है कि जिसने दिवाली का प्रोग्राम अमेरिका का व्हाइट हाउस का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया 1,00,000 रुपए का, कि नहीं अमेरिका भी मासूम बच्चों के कत्ल में, अरे बोलो। और वो जिसने प्रोग्राम 1,00,000 रुपए का कैंसिल किया वो मुसलमान नहीं, अरे बोलो नहीं है। सबसे अच्छी एक टेनिस स्टार खिलाड़ी है जिसके बारे में मैंने कल बोला, क्यों हम तो इतने बेगैरत है कि अगर हमारी ठंडे की दुकान है तो ठंडे की दुकान है, हम हमारा नफा ना खत्म हो जाए तो हम इजराइल के प्रोडक्ट को पेप्सी और कोका कोला को निकाल कर फेंकने को आपको लगता फर्क नहीं पड़ता, बहुत खतरनाक फर्क पड़ता है। रोनाल्डो ने सिर्फ इतना किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक ही अमल किया, कुछ भी नहीं बोला दुकान से, उसके टेबल पर सिर्फ पेप्सी कोका कोला जैसी चीजें रखी हुई थी, कुछ नहीं किया, आया टेबल पर से उसको उठाकर साइड में रख दिया, $4 बिलियन का नुकसान हुआ था एक ही दिन में, 4 बिलियन मालूम है, नुकते भी नहीं मालूम होंगे 4 बिलियन के, अरे 4 बिलियन का। और तो अभी आप चल रहे हैं, चल रहा हूं तो सारे मुसलमान लगता है कर लेते हैं, करो ना जाए ना दिमाग में, जाए ना फौरन अपनी बीवी को लिस्ट देकर भेजो मत लेना ये। मैंने वाकई सुना है, मेरे घर का खुद का मेरी सामान लेने क्या महीने का जो सामान होता है, गई तो वहां पर मुक्का था निकाल कर जो देता है मुक्का था, समझ गया। अब जैसी उसने वो निकाल के दिया एक सामान तो मेरे घर वाले मालूम है मुक्का है वो, तो मेरी बीवी ने से पैसा ली नहीं समझे, तो वो भी खुश हो गया, कैमरों की तरफ देख रहा कि मालिक तो नहीं देख रहा, वो भी खुश हो गए, हाँ सही बात है, करो ना थोड़ा सा करके। अच्छा इससे मार्केट में हवा चलती ना, तुम ये करो जैसा तुम जाओ, अब वो नहीं वो देगा तुम बोलो नहीं इसके वास्ते नहीं लेना है, तो ऑटोमेटिक
तोड़ी चल जाती सब। अरे बाप रे क्या खतरनाक चल रहा, करो तो सही एहसास पैदा तो करो कम से कम, तुम्हारा वजूद और तुम्हारा एहसास गैरों को दिखाओ तो सही। लेकिन हम अपना एहसास भी दिखाते नहीं कि हमें दर्द है, तो करेंगे इंशाल्लाह ये काम, फलस्तीन के लिए दुआ करेंगे। अरे बोलो करेंगे इंशाल्लाह सत्य। अभी तो मुझे पिछले जुमा को किसी ने इंतजार में बोला, अभी देखो मैं अभी जुमे का खुतबा दूंगा, तो मैं 15 साल से 20 साल से खुतबा दे रहा हूँ, तो मेरे खुतबे में हमेशा फलस्तीन रहता है, तो कई मरतबा लोग बोलते हैं, बल्कि 2-3 मरतबा ट्रस्टियों ने भी समझा है, और यार वो पुलिस वाले आए थे और वो बोल रहे थे कि मुफ्ती साहब का खुतबा बहुत अच्छा लगा, लेकिन यार वो फलस्तीन इधर उधर का नाम लेते बहुत डेंजर लगता। तो बोला दुआ भी करना मना है कि बैन है? अरे बोलो दुआ तो करो। अब कई लोगों ने मुझे बोला मुफ्ती साहब वो जो आप 15-20 साल से खुतबे में फलस्तीन को याद करते हैं आज वो समझ में आ रहा है, आज वो समझ में आ रहा है। अरे दुआएं करो अल्लाह से कम मुकर्रम आए का करो। चलो आओ अब आखिरी बात जो मैंने कहा था कि 2 उम्मान पर बोलूंगा लेकिन एक ही उम्मान पर आधा घंटा हो गया, इसलिए 5 मिनट में एक ही बात, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क की खातिर हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी है कि हम जुमला बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की खातिर इतनी कुर्बानियां दी है और इतना खून बहाया है कि दूसरों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया है हमारे बुजुर्गों का इतना। अरे बोलो खून बहाया है, तो हमें भिचकने की जरूरत ही नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। मौलाना मदनी का एक जुमला है, मौलाना मदनी क्या कहते हैं, मुसलमानों हम इस मुल्क के हिस्सेदार है किरायेदार? अरे बोलो नहीं। लेकिन हम ये बोलने को भी चलते, ये बोलने को डरते। मैं 15-20 साल से बोल रहा हूं मेरे को भी डराते कुछ ही नहीं। अरे आप संविधान के दायरे में आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन हमारी बुजदिली का यह आलम की ये बातें भी हमको बर्दाश्त नहीं होती। ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियां दी। चलो आओ अब जो बात मैं आखिरी में आया उनको नहीं मालूम होगा मैंने शुरू में कहा चल रहा। अब 3 दिन के बाद में यौम पैदाइश आएगा, जन्मदिन आएगा, हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह करेगा। मेरा बयान जो 2 साल पहले हुआ था वो पूरा रिकॉर्ड है 1 घंटे का, वो देख लेना। फिर पिछले साल जो करीब सर वगैरह हम सब थे यहाँ पर हुआ था पाचूरा में, वो भी देख लेना। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 5 मिनट में मैं बयान नहीं कर सकता टीपू सुल्तान को, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि हमारा कसूर ये है, हमारा जुर्म ये है कि हमको खुद को अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां और उनकी तारीख नहीं मालूम, इसलिए हम डर कर जीते। अभी सब जो जिस घर में तुम रहते तुम्हारे बाप दाई के लिए, अरे बोलो ना है ना, तो कैसा डेरिक रहता, अरे बोलो सामने भी किसको गाली लगा देता है, क्यों क्यों इतना मान दे रहा भाई मेरा है तो ऑटोमेटिक अंदर रहता ना, समझ गया। तो ये प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमको अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां मालूम नहीं। एक ही शेर कभी आऊंगा तो सबकी कुर्बानियां बयान करूंगा, लेकिन अब 3-4 दिन में सब इतना कहवा कि जो शेर शेर मैसूर नहीं, मैं तो शेर मैसूर कहना भी तौहीन और बेइज्जती समझता, ये तो साजिश है उनको शेर मैसूर कहने की और उनकी उनकी शान को कम करने की। शेर मैसूर नहीं, शेर हिंद हजरत सैयद टीपू सुल्तान है। मुल्क पर एहसान है जुमला सुन लो, मुल्क पर एहसान है। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी नफरतें पैदा की जा रही है और कुछ गद्दारों की औलादें वो है जो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को भूल गए, भूले नहीं उनको सब याद है अपने से, अरे बोलो सारा याद है भूले नहीं, लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मुल्क में माहौल खराब कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि जो वफादार होते हैं वो टीपू सुल्तान को चूमते हैं, उनका नाम मोहब्बतों से लेते हैं, क्योंकि वफादारों की औलादों को मालूम है कि ये मुल्क का सबसे बड़ा सिपाही रहा है। ये जब तक जिंदा रहा टीपू सुल्तान, जब तक मेरा शेर जिंदा था, तो अंग्रेजों की मजाल और ये
हिंदुस्तान हमारा हो जाए। ये दो जुमला सबको मालूम है। जब शेर शहीद हो गया और यकीन हो गया, दर्द इतना खौफ था अंग्रेजों पर कि शहीद हो गए, आंखें खुली है और हाथ में, शहीद होने के बावजूद भी मेरे शेर का इतना दबदबा था कि अंग्रेज फौजी करीब नहीं आते थे। उत्तर नहीं आए ना, नहीं क्या हो गया, करीब नहीं आते थे, वो दबदबा था। और जब शहीद हो गए तो खुद कर्नल ने सलामी दिया और ये कहा कि अब हम कह सकते हैं शहीद की लाश के पास खड़े रहकर, ये गर्व से कहा कि अब हम आज हम ये कह सकते हैं कि आज से हिंदुस्तान। और तो जो शेर की जिंदगी में कभी अंग्रेज हिंदुस्तान को अपना कह नहीं सके, गद्दारों की औलाद हो, तो उस शेर को बदनाम कर रहे हो, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, उसका नाम पसंद नहीं आ रहा। लेकिन मुसलमानों से भी मैं कहूंगा कि उस शेर की जिंदगी को पढ़ो और सुनो, सुनो 20 नवंबर 1750 को पैदा होने वाला ये शेर 1799 उन 50 साल की उम्र में दुनिया से जाता है। और ये जवान है ना, ये जवानों सुनो, वो शेर जो ये कहता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, जिसके मौजूदगी में अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर पाए, उस शेर का ये हाथ था। ये जवान जो है ना, अभी ये क्यों कह रहा, ये मैं क्यों कह रहा हूं उसकी वजह सुन लो, अभी 20 नवंबर आएगा, क्यों मेरे खुद बयान है, अकोला में है, अकोट में है, शेगांव में है। तो हमारे जवान क्या कर रहे, जयंती मना रहे, क्या मना रहे, जयंती। अब उन जयंती वाले और नहीं है, अच्छा हो रहा क्या, नुकसान क्या हो रहा, नुकसान क्या हो रहा, जयंती मनाने के चक्कर में हमारे जवान। मैं भी अब प्रवनी गया पिछले दो हफ्ते पहले, तो मुझसे वहां उलमा ने कहा, मरकज के साथियों ने कहा कि हजरत हमारा टीपू सुल्तान की जयंती बहुत धूम से मनने वाली है और इस साल तो जवानों ने सोच लिए कि खतरनाक डीजे लगाएंगे। क्यों रे भाई डीजे क्यों, हमारे हाथ में क्या है, उन्होंने कैसे निकाले, अपन तो देखना ये बावला मन है क्या है। मैंने वहां पर प्रवनी ने भी कहा, मरकज के जुमलेदारों के इशारों पर चिंतों ने भी कहा, जवानों से आज मैं क्या हो गया, अभी कल मैं बारामती चल जाऊंगा, कल बारामती में दुआ करना, हिंदुस्तान के तमाम ऐसे बावले लोगों को जमा किया गया वहां पर, समझ गया, जो बोलते हैं जो, और मुल्क के हालात पर बहस हो, दो दिन की कॉन्फ्रेंस है और पूरी मीडिया वहां पर जमा हो रही है, दुआ करना। और अल्लाह का शुक्र ये भी है कि इसी मुल्ला का जो है पहले सेशन में ओपनिंग बैठी है, नहीं समझे, ओपनिंग बैठी समझते, तो दुआ करिए ना मेरे लिए। अरे बोलो, अभी लंबे सफर से आया हूं, फिर अभी 6 बजे महाराष्ट्र एक्सप्रेस से बारामती के लिए निकल जाऊंगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं रहूं यहां पर ना रहूं, लेकिन जवानों से मैं कह रहा हूं कि 20 नवंबर को ऐसी कोई हरकत नहीं करना कि जिससे हमें और उनमें कोई फर्क न समझ में आए, वो भी जयंती मना रहे। अरे बोलो, अरे टीपू की मोहब्बत है ना दिल में, तो सुनाओ, मेरा टीपू 22 साल की उम्र में हुक्मरान बन गया था और अंग्रेज थर कांपते थे, 22 साल की उम्र में तू गोटे गया जिंदा रहा तो ये मुल्क किसी अंग्रेज के हाथ में नहीं।
ले गया, और अनबिन टीपू से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम मुल्क की हिफाजत के लिए जैसे हमारा टीपू लड़ा था हम भी लड़ते रहे। अरे बोलो ना, बस फर्क सिर्फ इतना है कि टीपू गोरे अंग्रेजों से लड़ा था, नहीं लड़ते टीपू कौन से अंग्रेजों से लड़ा था? अरे बोलो ना यार, गोरे अपन अपना मुकाबला काले अंग्रेजों से, हम लड़ते रहेंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे। और मुल्क में टीपू ने एकता अमन शांति फैलाई थी, जिंदगी पढ़ लेना कहने का टाइम नहीं है, तो हम भी टीपू की तरह मुल्क में एकता अमन फैलाएंगे। और फलस्तीन के लिए कौन कौन अब चलते फिरते दुआ करेगा, दोनों हाथ उठा कर माशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत जजाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे।